बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में रविवार को एक मुठभेड़ में लश्करे तैयबा के एक डिप्टी कमांडर सहित तीन आतंकवादी मारे गए थे। अब उन आतंकवादियों को मारने से ठीक पहले का आखिरी वीडियो सामने आया है। ये वीडियो ड्रोन से रिकॉर्ड हुआ है। आतंकियों की सटीक लोकेशन का वीडियो देखने के बाद सेना ने रणनीति बनाकर इन तीनों आतंकियों को मार गिराया और ऑपरेशन ऑल आउट के तहत एक बार फिर बड़ी सफलता मिली। एम ले लिया साहब, तुरंत आप प्रबंध डाउन कर लिया। अपने सही अंजाम तक पहुंचाए जाने से पहले ये लश्कर के आतंकवादियों का आखिरी वीडियो है। ये भारतीय सेना की वो तीसरी आंख है जिसकी कैद में लश्कर के तीनों आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं। पुलवामा में इन आतंकवादियों का प्लान एक ड्रोन ने कैसे फेल कर दिया, ये उसका वीडियो है। मारेगा साहब, एम ले लिया, चलने दे, चलने एम ले लिया, मार देगा सर, एम ले लिया साहब, तुरंत आप कर देना सर, डाउन कर लिया। आप जब 6141 15 सर, डेड कैट मेरी खेत में ही लगी है। ओवर। एक आराम से बैठा हुआ है। चुप रहो, चुप रहो, एम ले रहा साहब, एम ले लिया सर। हाफ कैट में इधर से निकाल दूंगा, जेसीओ कैट हाफ कैट निकाल दूंगा इधर से। ये रियाज तो नहीं है, पूछ के फायर कर रहा है। तैनाती तो आतंक फैलाने की थी, हाथ में हथियार भी थे और इरादा हमला करने का था, लेकिन भारतीय सेना के इस ड्रोन से आतंकवादियों की पोजीशन का पता चल गया और लश्कर का पूरा प्लान फेल हो गया। सेना ने ड्रोन के जरिए इन आतंकवादियों की सही लोकेशन का पता लगाया। ड्रोन फुटेज से पता चला कि तीन आतंकी एक मकान के पिछले हिस्से में छिपे हुए हैं। इन आतंकवादियों के पास किस तरह के हथियार हैं और ये कैसे हमला करेंगे, ये सब ड्रोन ने एक्सपोज कर दिया। 61415 सर, 2 AK कंफर्म है सर, 1 के पिस्टल दिख रही है। ओवर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत और खास करके स्किल इंडिया इस पर जोर दिया है और ये सभी ड्रोन वगैरह अपने देश में बनने लगे हैं, तो ये कुल मिलाकर के समझना चाहिए टेक्नोलॉजी सुरक्षा बलों को बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सी ऐसे होता था कि बाहर के लोगों, बाहर के जो मिलिटेंट्स थे उनके पास से आधुनिक हथियार हुआ करते थे, लेकिन आज जब टेक्नोलॉजी बदली तो एक सिस्टम बदला, एक प्रोसीजर बदला काम करने का, तो हमारे जो सुरक्षा बल है सफलता प्राप्त कर रहे हैं और कश्मीर में जो मिलिटेंसी है उसको खत्म किया जा रहा है। ड्रोन को देखकर आतंकी ने अपनी AK-47 का निशाना ड्रोन पर लगाया, लेकिन ड्रोन की ऊंचाई की वजह से फायर नहीं लगा। इस दौरान एक और आतंकी फोन पर किसी से बात कर रहा था। सेना के जवान ड्रोन के जरिए इन आतंकवादियों की एक एक गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए थे। आतंकवादियों की सही पोजीशन के लिए ड्रोन को थोड़ा नीचे की तरफ ले जाया गया। इस दौरान आतंकी ने पत्थर से ड्रोन पर फिर निशाना लगाया, लेकिन इस बार भी चूक गया। ड्रोन से मिली फुटेज से सेना ने इन आतंकवादियों को चारों तरफ से घेर लिया। बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। सेना की सभी यूनिट्स ने पोजीशन ले ली थी। लश्कर के तीनों आतंकवादी अंधेरा होने का इंतजार कर रहे थे ताकि बचकर निकल सके, लेकिन ड्रोन की तस्वीरों ने आतंकवादियों की हर प्लानिंग को फेल कर दिया और कुछ देर बाद भारतीय सेना ने इन आतंकवादियों को इनके सही अंजाम तक पहुंचाया। देखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे जो कोलेटरल डैमेज है वो कम होता है और आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि कहाँ किस जगह पे एग्जैक्टली टेररिस्ट हैं, कितने टेररिस्ट हैं, और आपको फिर सारा बाकी पूरा एरिया को डैमेज करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक स्पेसिफिक टारगेट बन सकता है। ये भारतीय सेना की वो रणनीति है जिसमें पहले आतंकवादियों को कैमरे में कैद किया जाता है और फिर बाद में उन्हें घेर कर ढेर कर दिया। ऑपरेशन ऑल आउट को और कामयाब बनाने के लिए अब ड्रोन जाल का इस्तेमाल हो रहा है जिसमें आतंकवादी फंस रहे हैं और भारतीय सेना इनको चुन चुन कर मार रही है। टेक्नोलॉजी के प्रयोग से सुरक्षा बलों को काफी मदद मिली आतंकवादियों के खात्मे के लिए, और अगर हम कश्मीर पुलिस की माने तो उन्होंने कहा कि एक बहुत ही बेहद ये सफल ऑपरेशन रहा और तीनों आतंकवादियों का खात्मा किया गया।
इनमें से दो आतंकवादी पाकिस्तानी थे और ये बहुत बड़ी वारदात करने जा रहे थे कश्मीर घाटी में, और जो कश्मीर घाटी में पहले भी कई हत्याएं हुई हैं उन सब के पीछे भी इनका हाथ था। तो ये काफी खूंखार आतंकवादी थे, लेकिन टेक्नोलॉजी के प्रयोग से सुरक्षा बलों को काफी ज्यादा मदद मिली और इन तीनों आतंकवादियों का खात्मा किया गया। आज तक ब्यूरो।